दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको यह जानकर बहुत ज़्यादा इसमें समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो हमारी मेन प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को लगाने में। ये जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है, इसमें डिश की वायर को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ से हम जब इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कई बार रिसीवर में, जैसे हमने ऑन करा के रिसीवर को, तो रिसीवर हमारा ऑन है, ठीक है। तो रिसीवर ऑन होने के कारण रिसीवर ऑन हो जाता है। अभी इसमें रिसीवर हमारा ऑन हुआ पड़ा है, ठीक है। ये कैमरे की लाइट की वजह से लाइटिंग बिलिंग हो रही है, बाकी ओके लाइट है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि इसके अंदर वायर लगाने से और ये लाइट बंद हो जाती है। तो इसको हमने किस तरीके से लगाना है, वो चीज़ आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसको आप आसानी से अपने घर पर भी लगा सकते हो, बहुत ही आसान सरल तरीके से मैं आपको समझाऊँगा कि इसमें जो लगाने का सिस्टम होता है, सारा घर पर आसानी से ही चाकू की मदद से आप घर पर कर सकते हो। क्योंकि इसको गलत तरीके से लगाने से रिसीवर ख़राब भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक चाकू ले लीजिए घर में से। चाकू लेने के बाद में ये डिस्क की वायर है, ये डिस्क की वायर को पहले यहाँ से इस तरीके से काट लीजिए, इस तरीके से। इसको काटना कैसे है मैं आपको भी बता देता हूँ। इस तरीके से काटेंगे हम इसको चारों साइड से, चाकू की मदद से हम इसको काट लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको काट लिया है, ये इस तरीके से। अब क्या करना है, इसमें क्या करते हैं लोग बाग जिनको लगाने का तरीका ही नहीं पता, इसको क्या करेंगे, पहले इस थिम्बल को इसमें ऐसे ही डाल देते हैं इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से डालेंगे तो डिश हमारी नहीं चालू होगी, जिस तरीके से डाल देते हैं इस तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको हटा लीजिए, इसको सबसे पहले यहाँ से कटिंग करिए, इसको सारी जो बाहर की वायर हैं अर्थ वाली, इनको भी काट लेना है, और जो इसके अंदर सिंगल वायर होती है उसको छोड़ना है सिर्फ। इस तरीके से इसको काट लेना है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। इसको काटने के बाद बिल्कुल एक सिंगल तार बचेगी इसके अंदर, ये वाली देख लीजिए, ठीक है, ये सिंगल वाली वायर बचेगी इसके अंदर। इसको हमने लगाना है इसके अंदर। अब किस तरीके से लगाना, वो चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ। ये देखिए, ये इसमें खाली सिंगल वायर बची है, ये वाली, ठीक है। अब इसको दोस्तों किस तरीके से लगाना है हमने, अब ये चीज़ आपको देखने को मैं बता देता हूँ। इस तरीके से इसको लगाने का जो प्रोसीजर है वो ये है। सबसे पहले इसके अंदर एक छल्ली होती है, इस छल्ली को इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। छल्ली के बाद में फिर इसको डालेंगे। किस तरीके से डालेंगे, इसके अंदर ऐसे नहीं जाएगा, इसके अंदर हल्की सी माचिस की तिल्ली जला करके इसको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने माचिस ले ली है, ये माचिस की मदद से ही इसको हम गर्म करेंगे। इस तरीके से हमने माचिस की तिल्ली को जला लिया है यहाँ, इस तरीके से। इसको जलाने के बाद में दोस्तों इसमें इस तरीके से चारों साइड से इसको गर्म कर लेना है, इस तरीके से हम इसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये गर्म करने के बावजूद इसमें आराम से ये नरम हो जाएगी, इसकी जो पीवीसी है वो नरम हो जाएगी। इस तरीके से इसको हमने इस तरीके से डाल लेना है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, और ऊपर से इस छल्ले को ला करके प्लास से हमने यहाँ दबा देना है इसको, ठीक है। तो मैं आपको और दिखा दूँ एक बार, इसको जो ये वायर है ज़्यादा बड़ी है, इसको थोड़ा कटर से काट लेते हैं। कटर से काट लो या चक्कू की मदद से, प्लास से किसी से काट लेना, सबसे कट जाता है ये, ठीक है। यहाँ से प्लास से हमने इसको संभल बना दिया है। अब इसको हम प्लास से ही यहाँ इसको दबा देते हैं, इस तरीके से हम इसको दबा देंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये हमारा बिल्कुल एकदम ऐसे बन गया, ओके। अब इसको हमने इस तरीके से इसमें लगाना, इस तरीके से इसको हमने कसना है, ये इस तरीके से इसमें हमारा लग गया, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ठीक है ना। और दूसरा अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ उसमें। और दोस्तों एक चीज़ और मैंने बताया आपको, एक इस तरीके से लगा देते हैं लोग बाग, इस तरीके से लगाने से आपका रिसीवर ख़राब हो सकता है। अब मैं आपको दिखाऊँ, ये जिस तरीके से आप लगा रखा है, इस तरीके से अगर हम डब्बे में लगाएंगे तो डब्बा हमारा बंद हो जाएगा, डब्बे का कार्ड भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए
इसको इस तरीके से नहीं लगाना। अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइट चल रही है ना इसमें, अब यहाँ से हम इसको लगा देते हैं पीछे से, तो आप देखना इसी में ये लाइट हमारी बंद हो जाएगी इसकी, इसी वजह की देखो बंद हो गया, ये बंद हो गई, ये चालू हो गया। अब इसको फिर लगाएंगे, फिर से बंद हो जाएगी, ये देखिए बंद हो गया। तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है, तरीका है जो मैंने बताया आपको उसी तरीके से आपको लगाना है, और अगर आपने ऐसे गलत तरीके से लगा दिया तो आपका रिसीवर ख़राब हो जाएगा, कार्ड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है।